हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। तो यार अभी हम जा रहे हैं बाबा केदारनाथ धाम की पहली आरती एंजॉय करने के लिए। सीएम बाहर आ रहे हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन करके, और फैमिली बाहर आ चुकी है उनकी पूरी। और देख सकते हो ये उत्तराखंड के सीएम। तो अपनी फाइनल एंट्री हो चुकी है अंदर महादेव के दरबार पे। बहुत मेहनत मशक्कत करने के बाद अंदर घुस पाए हैं। हरे महादेव, जय भोलेनाथ, जय शिव शंभो, हर हर महादेव। तो फाइनली अपने जो दर्शन है भोले बाबा के हो चुके हैं, और भाई प्रसाद जो लिया था प्रसाद भी चढ़ा दिया है।
इतनी ज़्यादा खुशी बयान नहीं कर सकता भाई। बहुत मेहनत करनी पड़ गई अंदर दर्शन करने के लिए, कि ना लाइन इतनी लंबी है, पर भाई हम लोगों ने कुछ जुगाड़ पानी लगा लोगों के अंदर चले गए थे, दर्शन कर लिए। पर यार VIP कल्चर की वजह से ना इतनी ज़्यादा मारा मारी हो गई भाई, अंदर दर्शन हो लोगों के हो ही नहीं पा रहे हैं। बट सबसे अच्छी बात ये अपने दर्शन हो गए और अभी हम लोग आ गए भंडारा खाने के लिए। सुबह से कुछ नहीं खा रहे, खाली एक घूट पानी पिया था बस। तो यार केदारनाथ परिषद में ना बहुत जगह भंडारे चल रहे हैं, तो उनमें से एक भंडारा ITBP का भी चल रहा है। ये मंदिर की बिल्कुल बैक साइड पे ही है। और दर्शन के बारे में क्या बोलोगे? हालत ख़राब हो गई, थोड़ी व्यवस्था डगमगा गई है, जनता इतनी है यहाँ पर। क्या अराउंड नहीं जी नहीं ना 50,000 लोग तो होंगे हैं सर, 50,000 लोग तो होंगे ना। तो 50,000 लोग पहले दिन मैनेज करना थोड़ा तो इम्पॉसिबल हो जाता है, और ऊपर से आते दिन VIP भी बहुत आ रखे हैं। सो सब कुछ इन शॉर्ट अच्छा रहा। तो मैं दूसरा भंडारा भी ले लिया, तो कुछ ये है खीर, पेठी की सब्जी, पत्ता गोभी, पूड़ी, अपनी हलवा और गोभी की सब्जी। तो भंडारा ना आप आओगे तो आपको इजीली मिलता रहेगा, बट ज़्यादातर भंडारे ना यार स्टार्टिंग टाइम पे ही होते हैं, तो आप आओगे तो पहले ढूंढ लेना कहाँ पर हो रहे हैं भंडारे, और नहीं हो रहे होंगे ना तो यार आपको बाहर से ही होटल से ही खाना पड़ेगा, तो वो तो आपको कॉस्टिंग हो सकती है। बट हम लोग की किस्मत अच्छी है, स्टार्टिंग में आए थे, आज दर्शन भी हो गए हैं और खाने के लिए भी। यार हम लोग आ चुके हैं भीमशिला पत्थर पे, जिसने पूरी केदारनाथ वैली में केदारनाथ मंदिर को बचाया था जब आपदा आई थी 2013 में। इतना विशाल पत्थर है जिसने पूरे मंदिर को ढक रखा है, चाहे आप जाओ तो साइड से भी देख सकते हो भाई, और कितना बड़ा पत्थर है, अपने आप ही आके रुक गया, वो भी इतने तेज पानी के बहाव के साथ। सर फाइनली बर्फबारी जो रुक चुकी है, 2 से 3 घंटे लग गए बर्फबारी को रुकने में, और नज़ारा कुछ ऐसा है, मौसम बिल्कुल साफ हो गया है, पर हाँ अभी भी बादल तो है ही। और हम लोग जो कैंपिंग कर रहे हैं, वो इस बार जो हम कैंपिंग कर रहे हैं यहाँ कर रहे हैं इस कमरे में, देख सकते हो ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है जो कि काम चल रहा है। और ये देखो बंदे अपने जूते सफाते हुए, क्योंकि हमने कॉफ़ी इसमें बना के पी लिया भाई, इतनी ज़्यादा ठंड थी ना, मतलब ये हमारे लिटरली हमने कहा भाई एक ही टेंट के अंदर हो जाते हैं, थोड़ी गर्मी भी लगी रहेगी और कॉफ़ी वॉफ़ी पी, तब जाके भाई बॉडी के अंदर थोड़ी गर्माहट आई, तो वक्त ना मतलब सर्दी गर्म से होते हुए आपको सिर दर्द होने लग जाता है, तो भाई वो सिर दर्द होने लग गया। अब जाके बाहर निकले हैं क्योंकि थोड़ा मौसम खुला है, और क्या करना है यार, सबसे पहले ना जाके को पावर बैंक को चार्जिंग पर लगाना है, और क्योंकि GoPro तो मैंने चार्ज कर लिया है, फ़ोन बिल्कुल 1% बैटरी पे है, तो पावर बैंक लगाते हैं चार्जिंग पे, और साथ साथ फ़ोन को भी चार्जिंग पे लगा देंगे। तो चलते हैं आगे मंदिर की तरफ फिर से। भाई फाइनली देखो यार ऊपर का मौसम, और माउंटेन दिखने लग गए हैं, पहले तो सिर्फ केदारनाथ के ऊपर वाले माउंटेन है ना खाली वही दिख रहा था, पर अब देखो ऊपर की सारी पीक्स भी दिखाई देने लग गई यार। सर शाम के नज़ारे केदारनाथ धाम के कुछ ऐसे हैं, और यार शाम की आरती होने वाली है, 7 बज चुके हैं और किसी भी समय आरती शुरू हो जाएगी।